नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम आसानी से घर पे जो है वो मैंगो केक बना सकते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और ये एकदम हेल्दी बनेगी, क्योंकि इसमें हमने कोई भी फ्लेवर या ऐसे कोई चीज़ यूज़ नहीं की है, हमने प्योरली मैंगो में से बनाई है। तो ये जो है आप कभी भी बना सकते हैं, बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, कभी भी। तो यहाँ पर जो है इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मैंगो का जो है प्योरी बना ली है, उसको काट के। उसके अलावा यहाँ पे हमने काजू लिए हैं, चोको चिप्स लिए हैं, आधा ग्लास दूध लिया है, और एक कटोरी जितना कंडेंस मिल्क लिया है, एक कटोरी जितना मक्खन लिया है। ये घर पे बनाया हुआ है, आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा लिया है 1/4 चम्मच, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, और यहाँ पे हमने एक कटोरी जितना, 1 कप जितना मैदा लिया है, और आधा कटोरी या तो पौना कटोरी जितना चीनी लिया है। अगर आप मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। घी लिया है इसको ग्रीस करने के लिए केक के बर्तन को। और यहाँ पे जो है ये हम नमक लिया है। तो एक्चुअली में ये केक हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, तो ये नमक जो है हमने 3-4 बार यूज़ किया है, इसलिए काला हो गया है, अदरवाइज ये सफ़ेद ही होता है। तो इस ये नमक को जो है हम प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे और फिर इस केक को हम बेक करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो है ये नमक को हम प्रेशर कुकर के अंदर डाल देते हैं, पर सीटी नहीं लगाई है तो एक्चुअली हम यहाँ पे प्रीहीट करने के लिए रख रहे हैं। इसको हम शुरू कर देते हैं और इसको जो है मीडियम फ्लेम पे इसको हम प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं। और अब जो है हम मैदा जो है इसको हम छान लेंगे अच्छे से, जिससे कि जो है उसमें बेकिंग सोडा भी यहाँ पर डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जिससे क्या होगा कि ये सोडा जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, सोडा और पाउडर। और साथ ही साथ हम चीनी भी डाल देते हैं, जिससे कि चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसमें कोई गुठलियाँ है तो वो भी निकल जाएगी। जिससे जो है केक एकदम सॉफ्ट बनता है, इसलिए इसको आप जरूर करें। इसको फिर से एक बार हम छान लेते हैं, जिससे कि सब चीज़ें अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से छान लिया है और अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें गरम मक्खन डाल देंगे,
डाल देते हैं। कंडेंस मिल्क जो है घर पे बनाया हुआ, इसको बनाने की प्रोसीजर जो है उसके लिंक का वीडियो जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। और इसमें मैंगो का जो हमारा पल्प है वो भी हम डाल देते हैं। यहाँ पे ये जो केक है हम एगलेस बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कंडेंस मिल्क और मक्खन का यूज़ किया है, जिससे हमको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो भी इसमें जो है मैदे का जो हमारा मिश्रण है उसको हम डाल देते हैं। थोड़ा सा छोटा है इसे तो आसानी से करना पड़ता है, अगर बड़ा बन लगा तो आप अंदाज करें। चलो मैंगा भी इसमें डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। थोड़ा सा और दूध डाल देंगे।
रेडी हो चुका है, तो इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हमको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पे जो है केक बनाने का जो हमारा बर्तन है उसमें उसको इंक्रीज कर लेते हैं। जिससे कि जो केक है वो आसानी से इसमें से निकल जाएगा। और इसके अलावा थोड़ा सा हम मैदा छिड़क देंगे जिससे कि केक जो है वो नीचे एकदम चिपकेगा नहीं। एक्स्ट्रा जो मैदा है इसको निकाल लेंगे। और अब जो है बैटर को इसमें डाल देते हैं। इसको जो है इस तरह से हम टैप कर लेंगे जिससे कि हमारा बैटर जो है अच्छे से सेट हो जाए इसके अंदर। यहाँ पे जो केक है इसको हमने अच्छे से इसमें सेट कर दिया है, तो थोड़ा सा इसमें काजू डाल के हम गार्निश कर देते हैं। इसमें जो है आपके पैकेट चोको चिप्स भी डाल देंगे। चोको चिप्स तो वैसे पिघल ही जाएगी तो उस हिसाब से डालेंगे। ये जो है वो रेडी है कुकर के अंदर रखने के लिए। तो कुकर जो हमारा है वो प्री हीट हो चुका है और उसको हम सावधानी से जो मैंने गैस पे ले लेते हैं इसको हम स्टार्ट कर देंगे। हम सावधानी से खोलेंगे क्योंकि बहुत गर्म हो चुका है, प्री हीट हो चुका है इसमें।
है, इसको इक्वली स्प्रेड कर दें। और ये जाली स्टैंड को गर्म रख देंगे सावधानी से, इसको थोड़ा मीडियम में सेट कर देंगे। सावधानी से अंदर रखेंगे और इसको भी जो है मीडल में सेट कर देंगे। ऊपर के ढक्कन को जो है सावधानी से इसमें एम सी टी नहीं लगाएंगे और गैस को हम फास्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको जो है 20 से 30 मिनट तक हम बेक करेंगे, पकाएंगे और इसके बाद एक बार चेक कर लेंगे, अगर अच्छे से फूला नहीं हुआ केक तो इसको 10-15 मिनट और हम बेक कर लेंगे। तो अब जो है 20-25 मिनट बाद हम एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे जो है 5 मिनट के बाद हम गैस को जो है थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, बहुत फास्ट गैस रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो केक जो है जल जाएगा। यहाँ पे जो है हमने इसको 40 मिनट के आसपास रखा है, तो गैस को यहाँ पे हम बंद कर देंगे और कुकर को एकदम सावधानी से खोलेंगे, तो बहुत गर्म हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारा केक जो है अच्छे से बेक हो चुका है। कुकर को हम साइड में हटा देते हैं और ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो केक है वो एकदम अच्छे से पक चुका है, और इसको आप ऐसे अंदर चाकू डाल के भी देख सकते हैं कि ये एकदम चिपक नहीं रहा है। तो इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में इसको हम ऐसे किनारे से चाकू लगा के निकाल लेंगे और एक सर्विंग प्लेट में उसको निकाल के देखते हैं इसकी सॉफ्टनेस कैसी है। यहाँ पे जो है केक थोड़ा ठंडा हो चुका है, यहाँ पर चाकू को एकदम आराम से ऐसे घुमा देंगे जिससे कि थोड़ा भी अगर केक वहाँ पे चिपका है तो वो निकल जाएगा। और उसके बाद एक थाली जो है उसको हम लेंगे, और केक को ऐसे उलट लेंगे।
और आप देख सकते हैं कि केक हमारा निकल चुका है। एक बार फिर से हम इसको इस तरह से रखेंगे एकदम आराम से, और इसको जो है तो आराम से पलटा लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो केक है इसको हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, और सब काटे काटेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है एकदम सॉफ्ट हुआ है, थोड़ा गर्म है और एकदम स्पंजी भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सक्सेसफुली हमने केक यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर एक ग्लेस केक हमने बना लिया है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। या आप कभी भी बच्चों के लिए जब पार्टी कर रहे हो, एनिवर्सरी की पार्टी हो, या तो कोई भी त्यौहार हो, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, उत्तरायण, तो इसको आप ज़रूर बना सकते हैं और इसको आप ट्राई करें। आप जैसे पिकनिक पे जा रहे हो या तो बच्चे को आपको टिफिन बॉक्स में भी केक देना हो तो ये केक आप दे सकते हैं, क्योंकि ये तो इसमें बहुत ही कम चीनी यूज़ की है, तो ये गले के लिए भी फायदेमंद, मतलब गले को कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत ही आसान है। अंदाज एक घंटा जितना टाइम लगता है, 1 या 1.5 घंटे जितना समय लगता है इसको।